हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मेरी स्कूटी की जो फ्रंट ब्रेक वो फेल हो गई थी। सो गाइस, फाइनली मैंने इसकी ब्रेक को अच्छे से रिपेयर कर दिया है। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या सीन हुआ था। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि इसकी जो ब्रेक की पाइप है वो ख़राब हो गई थी। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने पुरानी पाइप स्कूटी की सीट में रखी हुई है। ये जो पाइप है यहाँ से, ये देख सकते हो, यहाँ से कट हो चुकी है। आई थिंक यार टायर से लग कर ये ख़राब हुई है, बाकी तो सब ठीक है। पाइप तो मैंने चेंज करवा ली, जो इसकी ओरिजिनल पाइप है वो नहीं मिली यार। इसमें मैंने पल्सर 150 की ब्रेक की पाइप डाल दी। सीन ये हुआ कि मैंने इस पाइप का काफ़ी जगह पता करा, बट यार किसी के पास भी ये पाइप स्टॉक में नहीं थी। और यार दो दिन हो चुके थे स्कूटी को घर में खड़े हुए, फिर यार मैंने सोचा कि एजेंसी से लानी पड़ेगी, क्योंकि यार लास्ट ऑप्शन जो था वो एजेंसी बचा हुआ था। वैसे मेरे को मिल जानी थी ये पाइप, बट पठानकोट से ऑर्डर करना पड़ना था, और यार पक्का पता नहीं था कि कब तक आनी थी ये पाइप। देन यार मैंने सोचा कि बिना ब्रेक्स के तो चलानी नहीं है, क्योंकि यार यहाँ की रोड कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि यार चेंज तो करवानी पड़ेगी ये। फिर मैंने इसकी हेडलाइट ओपन करी, उसके बाद इसकी ये शील्ड भी मैंने ओपन करी, और देन उसके बाद मैंने इसकी पाइप रिमूव करी ब्रेक वाली। उसके बाद वर्कशॉप गया मैं, वर्कशॉप में पाइप पड़ी हुई थी बट वो बाइक्स की थी। फिर मैंने मैच करी इसे, ये जो मेरी पुरानी वाली है ना, इस वाली से मैंने मैच करके देखी। सो फिर पल्सर 150 की पाइप जो है वो मैच कर गई, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों में। बस ये है कि जो पल्सर वाली है ना, ये जो मैंने डाली हुई इसमें जो पल्सर वाली, ये देख सकते हो, ये डाली मैंने पल्सर वाली, ये थोड़ी सी लंबी है। ये वाली पाइप देखने में भी हैवी है। देन उसके बाद पाइप फिक्स कर दी। सो गाइस, एक और बात बताता हूँ, जो ये पाइप है ना ख़राब वाली, यहाँ पे होल होगा छोटा सा। सो गाइस, इस पाइप के अंदर यहाँ पे छोटा सा होल है, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो ये होल छोटा है, और जो पल्सर वाली डाली ना मैंने, जो होल है ना वो बड़ा था। सीन पता क्या है, पल्सर वाली जो पाइप है ना उसमें ब्रेक ऑयल ज़्यादा जा रहा है, मतलब ऑयल सप्लाई हो रहा है नीचे को, डिस्क को ना, वो ज़्यादा जा रहा है ऑयल, और उस वजह से मतलब ब्रेक काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। इसमें ऑयल ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब जो इसका डिस्क का पंप होता है ना, यहाँ पर पंप होता है, वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और यार गाइस, ब्रेक भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। पहले तो मैंने आराम से चला कर देखी, मैंने सोचा कहीं ब्रेक नहीं लगी तो हो जाना काम ख़राब। देन उसके बाद सब कुछ अच्छा वर्क कर रहा था। फिर मैंने रैश भी चला कर देखी स्कूटी, बट यार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। सो गाइस, फाइनली मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया। अब बात करते हैं यार इसका जो विंगलेट है वो भी मैंने डिक्की में रखा हुआ है, मैं बताता हूँ इसमें। ये देखो यार विंगलेट, ये भी टूट रखा है। ये देखो यार नेट सिस्टम क्यों हुआ था, ये टूट गया, देख सकते हो, मतलब इसकी जो ये शील्ड है ना टूट गई है यार। ये देखो यहाँ नीचे से पूरी क्रैक हो चुकी है ये शील्ड। विंगलेट मैंने ये तो लगाया हुआ था नेट, तो विंगलेट टूटा तो ये शील्ड भी टूट गई, और साथ में ये साइड वाली भी टूट गई है पूरी, ये देख सकते हो आप लोग। इसकी वजह से मुझे ये विंगलेट रिमूव करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बीच में नेट लगना था और ये क्रैक हो चुकी है, तो अब नेट तो लगेगा नहीं इसमें। सो गाइस, आई थिंक यार जो विंगलेट टूटा है और इसकी शील्ड, जो इसकी ये शील्ड है इसका जो फाइबर टूटा है ना, इसका रीज़न ये टायर है यार, क्योंकि ये टायर काफ़ी बड़ा है, और जब मतलब स्कूटी किसी खड्डे वगैरह में जाती है तो ये शॉकर मैंने पिछले गली साफ करे यहाँ तक इसका कट जा रहा था, क्योंकि यार ये जो टायर है इसका साइज बड़ा है, और जब स्कूटी किसी बड़े खड्डे में जाती है तो शॉकर प्रेस होते हैं ना, देन विंगलेट टायर से टच हो जाता है, टूटने का रीज़न यही लग रहा था मुझे।
बस यही है कि अब विंग लाइट नहीं लगेगा स्कूटी में, मैंने खोल दी। वैसे मैं जुगाड़ करके लगा सकता था बट मैंने सोचा रहने देते हैं, अभी तक मैंने लगाया नहीं है, अगर मूड हुआ तो लगा लेंगे। सो गाइस यही एक दो बातें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आज की वीडियो में यही था, करते हैं वीडियो का एंड। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं अब आपको एक न्यू वीडियो में।